So finally, 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 so finally Dr. Stone का नया सीजन आ गया है एंड इट्स ऑसम एंड आई नो दैट आई एम बिट लेट बट मैं 5 एपिसोड्स तक इंतजार कर रहा था। सो इस एनिमे के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले इस एनिमे की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। टिल एपिसोड 5 हमें सेंको और उसके ब्रिलियंट इन्वेंशन देखने को मिले विच ही विल यूज टू फाइट अगेंस्ट सुकासा आर्मी। सो टिल नाउ हमें स्पेस फूड, कब नूडल, ऑटोमोबाइल, स्टीम इंजन जैसे इन्वेंशन देखने को मिले एंड आने वाले एपिसोड्स में और भी कई इन्वेंशन देखने को मिलेंगे। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इस सीजन में अब तक ये दिखाया गया है कि हाउ सेंको इज प्लानिंग टू फाइट अगेंस्ट सुकासा आर्मी एंड पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में ये एनिमे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होने वाला है। सो ये था इस एनिमे के स्टोरी के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इस एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में। इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है सेंकू, वो इतना इम्पैक्टफुल है कि उसने बाकी कैरेक्टर्स को साइडलाइन कर दिया। एज एन ऑडियंस मुझे सेंकू बहुत पसंद है, उसकी थिंकिंग, उसकी पर्सनैलिटी एंड उसके इन्वेंशंस, जिसकी वजह से मैं ये एनिमे देख रहा हूँ। इस एनिमे में और भी कैरेक्टर्स है लाइक क्रोम, मैग्मा एंड गैन एंड इन सभी कैरेक्टर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया है एंड जो भी फनी मोमेंट्स थे वो सब फनी मोमेंट्स इन कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही होते हैं एंड दोस फनी मोमेंट्स आपके चेहरे पर एक स्माइल तो ला ही देगी। मैं इस सीजन सेंकू के पुराने दोस्तों का इंतजार कर रहा था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कि उन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी जल्दी हो गया। ऑल्सो कैरेक्टर लाइक निकी, ओकियो एंड फ्यू अदर्स, उनके बैक स्टोरी को काफ़ी जल्दी से दिखाया गया, विच आई रियली लाइक इट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बाकी कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा इस सीजन एंड शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ये चीज़ हमें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। टिल 5th एपिसोड सुकासा कैरेक्टर को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया बट आई एम श्योर दैट आने वाले एपिसोड में उसे भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा बिकॉज ही इज़ द एंटागोनिस्ट। तो ये था इस एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इस एनिमे के डायरेक्शन एंड एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दिस एनिमे बिकॉज इस एनिमे में आपको लाजवाब मूवमेंट्स मिलेंगे एंड वो लाजवाब मूवमेंट्स एनिमेशन की वजह से ही लाजवाब है। आई विल से दैट इस एनिमे की एनिमेशन इज समथिंग दैट जो आंखों को देखकर अच्छा लगता है। ये एनिमे वन ऑफ दोस एनिमे जहां आपको थोड़ा सा भी बोर फील नहीं होगा बिकॉज इस एनिमे को काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट किया गया है प्लस एनिमेशन ऑफ दिस एनिमे इज अ बोनस। अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस एनिमे इज इट्स साउंड ट्रैक एंड OST, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ सीन्स काफ़ी इंजॉयबल एंड अमेजिंग हो जाते हैं एंड एज एन ऑडियंस मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन इज बिट सिंपल बट इफेक्टिव। विजुअल्स की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं एंड अगर डायरेक्शन, एनिमेशन, विजुअल एंड म्यूजिक को मिला दे तो सेकेंड सीजन ऑफ डॉक्टर स्टोन काफ़ी बेहतरीन बन के निकलता है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो ये एनिमे वो एनिमे है जिसे देखकर आपको फील गुड वाली फीलिंग आएगी। अगर मैं सेकेंड सीजन की बात करूँ तो जो वाइब मुझे फर्स्ट सीजन में मिला वही वाइब मुझे सेकेंड सीजन में भी मिला, विच इज़ अमेजिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एनिमे आप सभी को ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसे बहुत कम एनिमेस है जिसे देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी एंड ये एनिमे वन ऑफ दोस एनिमेस है। इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट प्रोटैगनिस्ट, ग्रेट एनिमेशन एंड यूनिक स्टोरी कॉन्सेप्ट्स आर फ्यू रीजंस टू वॉच दिस एनिमे। ये एनिमे नॉलेजेबल है एंड अमेजिंग है एंड अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा तो आप डिप्रेस हो लाइफ से एंड डिप्रेशन का तो पता नहीं बट ये एनिमे देखने के बाद आपके चेहरे पर एक स्माइल तो आ ही जाएगी एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड 100 billion times दिस एनिमे टू एवरीवन। सो ये था एन ऑनेस्ट टॉक ऑन डॉक्टर स्टोन सेकंड सीजन। अगर आपने ये एनिमे देखी है विच आई नो यू हैव वॉच्ड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब अस बिकॉज एनिमेशन रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में मिलेगी एंड डू चेक आउट अवर अदर वीडियोस। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.